वालिद के नुतफे में होते हैं बूंद की शक्ल में। तो चले बढ़े आगे। जी, और अब वो ना मुझे रेफरेंस बेसिकली मिल नहीं सका। इब्ने कसीर की एक तफसीर थी, उसमें मैंने ये भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट शुरू कैसे होती है। वहां पे लिखा था कि जब मर्द डिस्चार्ज हो जाता है और उधर से औरत भी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उन दोनों का जब पानी मिलता है तो उससे बच्चे की पैदाइश शुरू होती है। तो वो मुझे मिला नहीं, इसलिए उसको मैं यहाँ पे कोट नहीं कर सका क्योंकि उसका कोई रेफरेंस मुझे मिल नहीं रहा था। अच्छा, हम आखिरी आयत की तरफ बढ़ते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे बात करती है। स्लाइड के फिर नुतफा को हमने जमा हुआ खून बना दिया। एक तो इसकी पहली स्टेटमेंट के अंदर ही बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने एक क्लॉटेड ब्लड की बात की है, कि फिर नुतफा को जो जो है मर्द का सेमन है उसको हमने जमा हुआ खून बना दिया, फिर इस खून खून को ब्लड क्लॉट को गोश्त का टुकड़ा कर दिया, फिर गोश्त के टुकड़े को हड्डियां बना दी, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, फिर दूसरी बनावट में इसको पैदा कर दिया। बरकतों वाला है वो, अल्लाह फला फला फला। ठीक, अब ये आपने पढ़ लिया ना ये वाला, अब मैं आपको समझाता हूं कि जो इब्राहिम, आपकी आवाज चली गई है। हाँ मेरी जी आवाज आ रही है इब्राहिम, सबको? इब्राहिम की आवाज चली गई। इब्राहिम आपकी फिर से नेट इशू आ गया आपका। इब्राहिम, मुझे लग रहा है शायद अल्लाह ताला चाह नहीं रहे कि आप उसकी हाँ, आज अब्दुल्ला, उसके आज लगता है प्रोसेस मैं का जो आपकी है भी वो। आवाज ब्रेक कर रही है, आपकी तरफ भी मुझे लगता अच्छा है नेट का कोई प्रॉब्लम। अच्छा मुझे तो वैसे सब कुछ यहाँ पे सीमलेस नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद इब्राहिम आप नेशनल आए लेवल फिर पे से कोई दोबारा मसला है। ज्वाइन करें। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद इब्राहिम ज्वाइन करें आप, तो सिग्नल का जो हो जाएगा वो भी मामला सेट हो जाएगा। वेट कर रहे हैं इब्राहिम अब आपका। अच्छा मेरी आवाज़ सही आ रही है? हेलो, यार गाइस, सब ये लोगों को आवाज़ आ रही है आप मेरी? जी, कोई आपको आ रही है? बताएगा? ये आ रही है, अब आ रही है। इब्राहिम, इब्राहिम तो चला गया हुआ है। अब्दुल्ला ये क्या हो रहा है? पूरे देखा, नेट कितना प्रॉब्लम कर रहा है यार आज। हाँ ये इशू हो रहा है थोड़ा सा, आज लग रहा है मुझे कि कोई चक्कर है। सही बात है, मुझे भी ऐसे लग रहा है, वरना इतना प्रॉब्लम तो नहीं होता यार। इब्राहिम अब आप बोलो, आज तो पता आ नहीं रही है? कि आज तो जी जी आ रही है। आज आज तो तो पता नहीं हद क्या होगी मसला है, यार। ना वो दूसरा नेट से चल रहा है सॉरी ना फोर जी दोस्तों, से। जो भी देखने वाले हमारे हैं, थोड़ी सी टेक्निकल मसले चल रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए माजरत। पाकिस्तान में चल रहा है इब्राहिम। हाँ जी, हाँ हाँ सही कुछ बात ऐसे है। ही मसला है। सही सही कह रही हैं आप, कुछ ऐसे ही चक्कर लग रहा है। चलें इब्राहिम, चले दोबारा इब्राहिम को। कंटिन्यू करते हैं इसको, अच्छा, जहां जहां तक एम्ब्रियोनिक मेरी आवाज आ डेवलपमेंट रही वाली। थी तो ये मैंने पढ़ लिया था। हाँ, ये वाला जहां तक मैं ये पढ़ रहा था वहां तक आवाज आ गई थी, क्योंकि आगे मैं गैलन हाँ को जो है वो एक्सप्लेन करने लगा था। जी, अगली स्लाइड पे इसको एक जाइएगा फिर। मर्तबा और रिपीट करके मेन फिर चीज आगे चल लें। जी, इब्राहिम आप रिपीट ठीक है करें, क्योंकि इस, उस वक्त आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी। हाँ इसको एक मर्तबा ठीक आप है सीरीज में रिपीट कर लें, जी जी ठीक फिर हम चलते हैं आगे। है। अच्छा, ये चैप्टर 23 की वर्स 14 थी, और इसमें बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है कि फिर हमने नुतफा को जमा हुआ खून बना दिया। अब इसमें पहले पहले तो हम इस चीज को समझ लें कि जमा हुआ खून यानी कि खून जमता कैसे है। खून के बेसिकली जमने के लिए ना कुछ प्रोटीन्स चाहिए जो कि हमारी ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर बेसिकली वो प्रोटीन्स होती हैं कि जो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं और हमारे ब्लड में होती हैं, लेकिन ये तब तक एक्टिवेट नहीं होती जब तक ब्लड खून की नालियों से बाहर नहीं आ जाता इन केस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी।
कि चाहे जिस्म के अंदर कोई इंजरी हो जाए या जिस्म के बाहर, जब तक खून अपनी नालियों को नहीं छोड़ के बाहर आता, तब तक उन प्रोटीन्स को एक्टिवेट नहीं किया जाता और वो खून को नहीं जमाती। अब यहाँ पे लिखा है कि, और हाँ, जब ये खून खून एक दफा जम जाता है ना, तो वो खून किसी कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहता। लिखा है कि नुतफा को हमने जमा हुआ खून बना दिया। एक और टेक्निकल मिस्टेक ये है कि सेमन और ब्लड में जमीन आसमान का फर्क है। इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। ब्लड की कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, तो ब्लड में क्या होता है कि उसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक एक जो है वो रेड कलर के और एक वाइट कलर के। रेड वाले गैसेस वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, वाइट वाले जरासीमों को मारते हैं, मतलब कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तीसरे सेल तो नहीं होते, लेकिन सेल के टुकड़े होते हैं, उनको प्लेटलेट्स कहते हैं। वो खून को जमाने में मदद करते हैं उनके साथ, क्लॉटिंग फैक्टर के साथ मिलके। बाकी बचता है पीछे पानी, तो पानी में भी प्रोटीन, एंटीबॉडीज और ये बाकी सारी चीजें तैर रही होती हैं। ये मैंने आपको बता दी खून की कॉम्पोजिशन। अब देखिएगा सेमन की कॉम्पोजिशन क्या है। सेमन में 90% पानी होता है, जिसमें प्रोटीन्स और स्पर्म के लिए जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं, गजाई मादे हैं, वो उसमें मौजूद होते हैं, और लुब्रिकेंट्स वगैरह, यानी कि जो कि उसको लेसदार बनाते हैं, और बाकी 10% उसके अंदर स्पर्म शामिल होते हैं। अब एक तो इनकी केमिस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है, और ये कभी भी ऐसा नहीं हमने देखा, और ना ही ये मेडिकली प्रूव है कि सैमन जो है वो ब्लड बन जाए, और वो भी जमा हुआ खून, यानी कि क्लॉटेड ब्लड बन जाए। अच्छा, फिर नुतफा को हमने जमा हुआ खून बना दिया, एक तो हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया। अच्छा, आगे फिर इस खून के लोथड़े को, मतलब कि उस क्लॉटेड ब्लड को, गोश्त का टुकड़ा बना दिया। और अब बंदा इसको कैसे एक्सप्लेन करे कि खून की कॉम्पोजिशन तो मैंने आपको बता दी, और गो मसल्स कहते हैं, और इनमें भी बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, फिर उस गोश्त, हड्डियां, फिर अच्छा, पहले वो सेमन था, फिर वो जमा हुआ खून बना, फिर वो गोश्त बना, फिर वही हड्डियां बन गए, कि उनको हड्डियां बनाया, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहनाया, फिर यानी कि जो हड्डियां बनी थी उनके ऊपर गोश्त लगा दिया। ये भी आपने याद रखना है, ये पॉइंट आगे आना है कि सीक्वेंस क्या हो रहा है, कि पहले जमा हुआ खून, फिर जमे हुए खून से गोश्त बनाया, फिर गोश्त के कुछ हिस्से को हड्डियां बना के बाकी गोश्त उसके ऊपर लगा दिया, और फिर उसकी दूसरी बनावट में उसको पैदा कर दिया, जैसी एक ह्यूमन फॉर्म होती है, फिर जो है वो कहा जा रहा है कि उसको ह्यूमन फॉर्म में पैदा कर दिया गया। बाकी आगे वही सिर्फ वो अपनी तारीफें ही आगे। अच्छा, अब हम अकबर को तो देखते हैं कि हमारे ग्रीक्स लाल क्या लिस्ट कहते से थे। हाँ बेहतरीन पाकिस्तान जी, वही ना। अच्छा, फिर चलिए हम चलिए। देखते हैं कि यूनानी इस बारे में क्या कहते थे। ठीक है, यूनानियों में एक था गैलन, क्लेडियस गैलनस। अच्छा, उसने इंसान की डेवलपमेंट को ना चार पीरियड्स में डिवाइड किया था। उसने कहा था कि चार स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज उसने कहा कि सेमन जो है वो प्री डोमिनेट हो जाता है। सेमन प्री डोमिनेट होने को आसान अल्फाज में आपको ये मैं समझाता हूँ कि जो मर्द का पानी है वो गालिब आ जाता है, मतलब कि जो भी उसने औरत के रहम के अंदर, औरत के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर, जब उसने अपना स्पर्म, अपने जो है वो सेमन रिलीज किया है, तो वो सेमन जो है वो कह ले कि वहां पे सेटल हो गया, सेमन सेटल हो गया, ठीक है, पूरे का पूरा पानी वहां पे सेटल हो गया स्टेज वन के अंदर। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि उसी सेमन से जब वो एम्ब्रियो बना तो वो ब्लड से भर गया, ठीक है। सेकेंड स्टेज पे उन्होंने ब्लड बना दिया, यानी कि वो जो अभी हमने पीछे पढ़ा क्लॉटेड ब्लड वाला। तीसरी स्टेज ये है कि जो मेन जो ऑर्गन्स हैं उनकी मेन आउटलाइन बनती है, और यहाँ पे जो गैलन के कॉन्सेप्ट से अगर हम उसको मजीद एक्सप्लेन करें, तो गैलन ने कहा था कि लीवर और लंग्स और किडनीज वगैरह, इन चीजों की लाइनिंग, और हार्ट, इन यानी कि ये ऑर्गन्स जो हैं ये सबसे पहले बनना शुरू हो जाते हैं, जबकि बाकी पार्ट्स जो हैं वो अभी तक डिवेलप नहीं हुए होते। फिर चौथी स्टेज में उसने कहा कि जब ये सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं तो इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि अब यहाँ पे डिवेलपमेंट कंप्लीट हो गई है, पूरे का पूरा एम्ब्रियो बन गया है। बनने के बाद फिर उसकी ग्रोथ होती है, उसके साइज में इजाफा होता है। ये है क्लेडियस गैलनस के कॉन्सेप्ट्स, कि पहली स्टेज क्या थी कि जो सेमन है वो गालिब हो गया, मतलब कि वो सेटल हो गया,
और सेकंड स्टेज में जो उस सैमन से एम्ब्रियो बना वो खून से भर गया। फिर थर्ड स्टेज के अंदर कुछ ऑर्गन्स बनते हैं और कुछ ऑर्गन्स नहीं बनते, और वो भी जो बने हैं वो कंप्लीट नहीं बने, सिर्फ उनकी एक अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। चौथी स्टेज के अंदर जब सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। चौथी स्टेज और पीछे जो हमने अभी हम जो पीछे पढ़ के आए थे कि फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, मतलब कि ये क्या हो रहा है, कनेक्शंस डेवलप किए जा रहे हैं, कि चौथी स्टेज की बात की जा रही है कि यहाँ पे जो चौथी स्टेज है उसमें जो ऑर्गन्स बन गए हैं फिर वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ये यानी कि ये बहुत ही सिंपल करके आपको समरी जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वरना ये काफी जो है वो इंटरेस्टिंग है, गलत लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और काफी लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है ये। और अभी हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, वो भी गैलन की ही है, बल्कि वो गैलन की एक बुक से लिया गया छोटा सा पैराग्राफ है जो कि उसने ऑन सेमन के नाम से जो है वो लिखी हुई है। उसने यहाँ पे जो है वो थर्ड पीरियड ऑफ जेस्टेशन की बात की है। जेस्टेशन क्या है, किसी भी जानदार को मुकम्मल डिवेल्प होने के लिए जितना टाइम चाहिए वो उसका जेस्टेशन पीरियड है। जैसे इंसान 9 माह में डिवेल्प होता है तो 9 माह इंसान का जेस्टेशन पीरियड है। तो वो कह रहा है कि अब थर्ड पीरियड जेस्टेशन का आ गया आफ्टर नेचर हैज मेड आउटलाइन ऑफ ऑल ऑर्गन्स, के जब नेचर ने तमाम ऑर्गन्स की आउटलाइन बना ली। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गन कंप्लीट नहीं डिवेल्प हुए, सिर्फ उनकी अर्ली डिवेलपमेंट हुई है। एंड द सब्सटेंस ऑफ द सेमन इज यूज्ड अप, मोस्ट इंटरेस्टिंग कि ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि ऊपर अभी पिछली लाइन में उसने जो बताया कि ऑर्गन्स डिवेल्प हुए हैं, आगे वो बता रहा है कि सेमन सारा इस्तेमाल हो गया। इसका मतलब क्या है कि सेमन से ही वो सारे के सारे ऑर्गन्स बने हैं। द टाइम हैज कम फॉर नेचर टू आर्टिकुलेट दी ऑर्गन्स प्रिसाइजली, कि अब ये टाइम आ गया है कि नेचर जितने भी ऑर्गन्स बने हैं उनको आपस में जोड़ दे, उनके आपस में कनेक्शन डिवेल्प कर दे, टू ब्रिंग ऑल द पार्ट्स टू कंप्लीशन, ताकि सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएं। दस इट काज फ्लैश टू ग्रो ऑन एंड कंप्लीट ऑल बोन्स, वही जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना। यानी इब्राहिम, जी जी गेलन भी यही समझ रहा है कि सेमन से ही जो है वो सारी प्रोडक्शन हो रही है फिटस की, एग्जैक्टली ऐसा ही है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो कह रहा है कि जो मर्द का पानी है उस मर्द के पानी से सारे के सारे ऑर्गन बन गए हैं, मर्द के वो कह पानी रहा है से ना, बने। और सब्सटेंस ऑफ द सेमन इज यूज्ड अप, जी ऑर्गन्स बन गए, सब्सटेंस ऑफ सेमन इज यूज्ड अप। और वो भी देखें अब्दुल्ला भाई, लास्ट पे क्या कहा जा रहा है कि जो यानी कि जो गोश्त है, फ्लैश टू ग्रो ऑन एंड अराउंड ऑल द बोन्स, कि जो गोश्त बनता है ना फिर वो गोश्त हड्डियों पे भी चढ़ता है। अब कितना ही फर्क है, जो हमने स्लाइड नंबर 10 को एक दफा दोबारा खोलिएगा, कि जो हमने ऊपर देखा कि वही के फिर नुतफे को हमने जमा हुआ खून बनाया, इसको मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि अब आपने गैलन के कॉन्सेप्ट जान लिए हैं तो अब इसको भी जाने, कि फिर नुतफे को हमने जमा हुआ खून बना दिया, ठीक है, फिर इस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया और गोश्त के टुकड़े को हड्डियां बना दी, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया। वो जो अभी अब्दुल्ला भाई ने भी हाईलाइट किया कि सेमन यूज्ड अप वाला, तो वो देखें वो पहली लाइन के अंदर ही वो हमें बता रहे हैं कि नुतफा को हमने जमा हुआ खून बनाया, क्योंकि आगे सारे गोश्त के टुकड़े हड्डियां तो उसी जमे हुए खून से निकल रही है ना, तो इसका मतलब कि सेमन से ये सारी चीजें बनी है। तो पहली चीज बी गैलन के साथ मिलती जुलती है, और फिर ये हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, ये भी एग्जैक्टली जो उसका गैलन का कॉन्सेप्ट है वो सेम इसी के अंदर है। फिर आगे उसको उसकी बनावट में पैदा कर दिया, तो जैसे गैलन कहता है कि फिर वो सिर्फ ग्रो होता है एक ह्यूमन फॉर्म में, ये एक बर्थ साइज में, तो ये एक एक लफज वहां से उठाया गया है, ये सेम उसी की काशी कर रहा है, या यूं कह लें कि ये उसका खुलासा है। जैसे होता था ना बचपन में उर्दू का खुलासा लिखते थे, तीन तीन चार सफ़ों का एक वो क्या उसको बोलते, सबक होता था, और उसका हम तीन चार लाइनों का खुलासा कर देते थे या किसी गजल का समराइज खुलासा। करते थे। हाँ तो ये इन्होंने सिर्फ उसको समराइज किया है। अब चलते हैं स्लाइड 13 के ऊपर, जो कि उसके ये इसके आगे वाली ऑन सेवन से आगे वाली, कि जो मॉडर्न फाइंडिंग्स है वो क्या इसके बारे में कह रही है, कि साइंस के इसके बारे में कह रही है। अच्छा अब एक एक चीज मैं आपको बता दूं, कि बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ कि इंसान की डेवलपमेंट होती कैसे है। इंसान की डेवलपमेंट होती है कि जब माँ की बॉडी एग सेल पैदा कर देती है और मर्द अपना अपने सेमन जो है वो औरत में रिलीज कर देता है, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म में से सिर्फ एक सिंगल सेल
वो एक एग सेल के साथ मिलता है, और वो भी सारे का सारा सेल नहीं मिलता, यानी कि स्पर्म के अंदर ना एक छोटी छोटी सी गेंद होती है, छोटा सा बॉल होता है जिसके अंदर डीएनए होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक स्पर्म एग सेल के ऊपर चिपक जाता है और सिर्फ अपना न्यूक्लियस अंदर भेजता है, बाकी सारी की सारी उसकी चीजें बाहर रह जाती हैं, बाकी सारे के सारे स्पर्म भी वेस्ट हो जाते हैं, वो भी बाहर रह जाते हैं, सिर्फ एक सिंगल स्पर्म का एक न्यूक्लियस एग सेल के अंदर चला जाता है, और हम कहते हैं कि एग सेल की फर्टिलाइजेशन हो गई, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और हाँ, जो मर्द का एग सेल होता है उसमें भी आधा डीएनए होता है, और जो मर्द का स्पर्म होता है उसमें भी आधा डीएनए होता है, जबकि बच्चा बनाने के लिए पूरा डीएनए चाहिए। जब एग और स्पर्म दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो आधा और आधा डीएनए मिलकर पूरा डीएनए बन जाता है। इस तरह एग सेल एक मुकम्मल डीएनए वाला सेल बनता है। अब इसी एग सेल का नाम रख दिया जाता है जाइगोट। अब ये जाइगोट अपनी जगह छोड़ता है और ट्रेवल करना शुरू हो जाता है माँ की यूट्रस में, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं बच्चादानी। अच्छा, यूट्रस की दीवार में लग जाता है जाके, यूट्रस के अंदर खाली जगह में नहीं लगता, यूट्रस की यूटेरियन दीवार में वॉल पे अपने आप को जोड़ लेता है। जब वो दीवार में जी जी बिल्कुल, जैसे ही वो दीवार में जुड़ता है उसके उसमें सेल की तकसीम शुरू हो जाती है, सेल डिवीजन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक मैस ऑफ सेल बन जाता है, मैस ऑफ सेल। अब आगे तीन तहें बनती हैं सेल्स की, तीन लेयर, थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स, उनको हम बोलते हैं जर्म लेयर, GERM, जर्म लेयर। तो ये तीन जर्म लेयर्स बनती हैं, एक सबसे ऊपर होती है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। तो बेसिकली जो एक्टोडर्म होती है उसने स्किन वगैरह जैसे ऑर्गन्स बनाने होते हैं, सेंटर वाली होती है मीजोडर्म। यहाँ पे मैं आपको लेके आना चाह रहा था कि जो सेंटर वाली होती है ना मीजोडर्म, इसी ने मसल्स बनाने हैं जिनको हम गोश्त बोलते हैं, और इसी ने हड्डियां बनानी है, और ऐसा अभी तक प्रूफ नहीं हो सका कि हड्डियां पहले बन जाएं और गोश्त बाद में बने, या गोश्त पहले बन जाए हड्डियां पहले बने, बल्कि ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं और एट अ टाइम चलते हैं, कि अगर हड्डियां बन रही हैं तो साथ साथ गोश्त भी बन रहे हैं। तो जब गोश्त भी बन जाता है, हड्डियां भी बन जाती हैं, तो अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर बनते हैं, एक दूसरी टाइप के प्रोटीन के रेशे बनते हैं जिनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। वो लिगामेंट्स क्या करते हैं कि वो हड्डियां और गोश्त जो कि बन चुकी होती हैं वो उन दोनों को आपस में जोड़ देती हैं। जबकि हमें कुरान के अंदर क्या बताया गया, हमें ये बताया गया कि पहले गोश्त बन गया, फिर उस गोश्त के कुछ हिस्से से हड्डियां बनी, फिर हड्डियों को गोश्त के ऊपर चढ़ा दिया। मतलब कि इसमें सीक्वेंस बताया गया है कि पहले गोश्त फिर हड्डियां वजूद में आती हैं, लेकिन आंखों देखा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज क्या है कि दोनों इवेंट्स एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। तो ये मॉडर्न साइंस जो है वो हमें क्या कहती है कि मॉडर्न साइंस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रिवील्स दैट मसल्स एंड द कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? नरम हड्डी। जैसे आप अपने कान को छुएंगे ना, कान के बाहर वाला हिस्सा कितना सॉफ्ट है, ये बेसिकली कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज ही, अगर इसी कार्टिलेज को में ज्यादा मिनरलाइजेशन कर दी जाए, ज्यादा मिनरल ऐड कर दिए जाए, सेल्स की केमिस्ट्री थोड़ी सी बदल दी जाए, बहुत हार्ड कर दिया जाए, तो ये हड्डी बन जाती है। वैसे भी अगर एक इंसान है ना, उसकी बाजू की हड्डी फर्ज किया सेंटर से टूट के दो हिस्सों में तकसीम हो गई, और डॉक्टर जब उसकी कह ले के रिडक्शन करता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि हड्डी को अपनी जगह पे लेके आके ना उसके ऊपर कोई चीज बांध दी जाती है ताकि हड्डी हिले ना, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। कि जब हड्डी दो हिस्सों में टूटती है उसको अपनी जगह पे लेके आके उसके ऊपर कोई चीज लपेट दी जाती है, अब जहां से हड्डी टूटी है ना वहां पे नई हड्डी बनेगी, तो वो हड्डी आपस में जुड़ जाएगी जो दो टूटे हिस्से हैं, और जब उसकी वहां पे हड्डी बनने का टाइम आता है ना, तो पहले कार्टिलेज बनती है, फिर उसी कार्टिलेज को हड्डी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये मैं आपको बताने का मकसद ये है कि इस चीज को जहन में बिठाएं, इसको समझें कि डायरेक्ट हड्डी नहीं बनती माँ के पेट में, पहले कार्टिलेज बनती है जो कि सॉफ्ट बोन कहलाती है, फिर वो बोन में कन्वर्ट होती है कि जो बेसिकली हार्ड बोन होती है। यहाँ पे देखें, वो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि मसल्स बनते हैं साथ कार्टिलेज बनती है, तो मसल भी बन गए, कार्टिलेज भी बन गई, यानी कि जो कि फ्यूचर की बोन्स होती हैं। ये होता है साइमल्टेनियसली, बयक वक्त ये काम हो रहा होता है, एक पैरेलल फैशन में ये काम हो रहा होता है। मसल्स इनिशिएट देयर फॉर्मेशन बिफोर द कार्टिलेज मॉडल ट्रांजिशन इनटू द एक्चुअल बोन।
कि मसल्स जो हैं यानी कि कार्टिलेज और मसल्स दोनों एट अ टाइम बन रहे होते हैं, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लिगामेंट वाला कॉन्सेप्ट के बाद में लिगामेंट जब बनते हैं तो वो इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो मॉडर्न साइंस जो है वो गैलन को भी गलत कह रही है और जो कुरानिक स्टेटमेंट्स हैं उनको भी गलत कहा जा रहा है। अगली स्लाइड वही है कि जो मैंने अभी आपको बातों बातों में एक्सप्लेन की है कि सेमन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर कोई रोल नहीं है, ठीक, ये सिर्फ एग सेल की फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है, वरना बच्चे की पैदाइश में इसका, उसकी डेवलपमेंट में कि गोश्त बनना फलां फलां बनना, उसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। और ब्लड जो है वो डेवलपमेंट के दौरान कभी भी क्लॉट नहीं होता, कि अगर हम ये कहेंगे ना कि ब्लड क्लॉट हो गया, खून के लोथड़े बन गए, तो वो एबॉर्शन होगा उसके बाद, क्योंकि वो बच्चा मर चुका है माँ के पेट में। अगर बच्चे के जिस्म के अंदर जो कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, अगर अगर यानी कि अगर ब्लड भी वैसे तब बनता है जब ये थ्री लेयर की स्टेज मैंने आपको बताई थी ना, इसी थ्री लेयर की स्टेज में ब्लड बनने का काम शुरू होता है, वरना पहले ब्लड भी नहीं बनता। तो इसी थ्री लेयर की स्टेज में जब वो ब्लड बनता है, तो अगर हम ये कहें कि जी ब्लड क्लॉट होता होगा, तो आप समझ लें कि कोई एबनॉर्मेलिटी काज हो गई है और वो बच्चा आगे डिवेल्प हो ही नहीं सकता, सीधा अबॉर्शन होगा। और बोन और मसल्स पैरेलल फैशन में बनते हैं, ये तो अभी हमने इस पे बड़ी डिटेल से बात की। अब जरा आइएगा अगली स्लाइड पे, ये बड़ा कह लें कि ना रेडिकुलस है, मुजहक्का खेज। अच्छा, ये है कि वाई चाइल्ड रिजेंबल इन पेरेंट्स। ये ना वैसे जो है वो हदीस काफी ज्यादा लंबी थी, इसीलिए मैंने नीचे रेफरेंस लिख दिया है कि अगर कोई इसको मुकम्मल पढ़ना चाहे तो वो उसको मुकम्मल भी पढ़ सकता है। ये वही है, मे बी अब्दुल्ला भाई आपको ये याद हो कि जब वो एक यहूदी आलम थे अब्दुल्ला बिन सलाम, वो जब आए थे नबी करीम के पास और उन्होंने कहा था कि मैंने आपसे तीन सवाल करने हैं, अगर आपने जवाब दे दिया तो इसका मतलब कि आप अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि ये इन सवालों के जवाब सिर्फ एक अल्लाह का नबी ही दे सकता है, जिसमें पहला सवाल ये था कि क्यामत कब आएगी, दूसरा ये था कि जंतियों को सबसे पहला खाना कौन कौन सा दिया जाएगा, और तीसरा ये कि जो बच्चे हैं वो अपने वालदेन से मुशाहबत क्यों रखते हैं, यानी कि उनसे रिजेंबलेंस क्यों रखते हैं। अच्छा, तो वो उसका सवाल, सिर्फ उसी सवाल का जवाब जो है वो मैंने यहाँ पे कोट किया था। वैसे ये क्वेश्चन जहन के अंदर आता है, लेकिन ये हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है, कि जब वो जवाब दे चुके होते हैं ना, तो अब्दुल्ला बिन सलाम होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ वाकई यही उसके सही जवाब है, इसका मतलब ही अल्लाह का सच्चा रसूल है। तो क्वेश्चन ये है कि अब्दुल्ला बिन सलाम के पास वो कौन सा पैरामीटर था जिसपे उसने जज करके ये कहा कि ये सवालों के जवाब ठीक हैं। अगर ये सिर्फ एक पैगम्बर को ही सवालों के जवाब आते हैं, तो इसका मतलब अब्दुल्ला बिन सलाम भी पैगम्बर ही थे, क्योंकि वो भी इन सवालों के जवाब जानते थे। खैर, ये अनदर टॉपिक है। टॉपिक पे वापस आते हैं कि जो चाइल्ड है, बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ क्यों मिलते जुलते हैं, आपको यकीनन हंसी आएगी। और बच्चे की मुशाबहत का जहां तक ताल्लुक है, कि जहां तक बच्चा जो है वो अपने वालदैन के साथ, पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करता है, तो जब मर्द औरत के करीब जाता है, मतलब कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, वैसे इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो ज्यादा समझ आएगा। लिखा है कि इफ अ मैन हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ एंड गेट्स डिस्चार्ज फर्स्ट, कि अगर वो पहले जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है मर्द, देन चाइल्ड विल रिजेंबल द फादर, एंड इफ द वुमेन गेट्स डिस्चार्ज फर्स्ट द चाइल्ड विल रिजेंबल हर। इंतहाई बोगस, इंतहाई इंतहाई इलॉजिकल स्टेटमेंट, कि जो पहले डिस्चार्ज हो गया, अब देखे ना शायद इनको इतनी भी सेक्स एजुकेशन नहीं थी तब, कि मर्द अगर एक दफा जो है वो डिस्चार्ज होता है ना, और अगर एक बहुत ही हेल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा होता है, तो फीमेल तीन दफा डिस्चार्ज हो चुकी होती है। अच्छा, अब इसमें कि अगर अगर जो फादर है वो पहले डिस्चार्ज हो गया, तो मतलब क्या हुआ, भास कर रही है आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ कहना चाहे देखो इब्राहिम और अब्दुल्ला, देखो औरत जो वुमन है वो तीन दफा डिस्चार्ज हो चुकी होती है, तो फिर देखो अगर इस लॉजिक को माने तो कॉपी पेस्टिंग ही हो मर्दों का, मर्दों की शक्ल का मतलब अपने फादर की शक्ल पे तो कोई बच्चा नजर ही ना आए हमें, वो माँ की कार्बन कॉपियां फिरती रहे हर जगह पे ऐसा ही ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक और बात है, मुझे लगता है ये चीनियों पे फिट बैठता है इब्राहिम, मुझे लगता है वो चीनियों पे फिट बैठता है, मुझे उनमें नजर आता।
चलें जी, ये तो मजाक हो गया थोड़ा सा, सुभान अल्लाह को भी अच्छा लॉजिक पे। अच्छा यहाँ पे ये देखें, अगर अगर ये सच होता ना, ये भी एक मजे की बात है क्या, अगर ये सच होता ना वाकई कि जो पहले डिस्चार्ज हो गया ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये भाई शर्त है, जो पहले डिस्चार्ज हो गया बच्चा उस पे जाएगा। फिर ये है कि मर्द अगर ये चाहता हो ना कि सारे बच्चे मुझ पे जाएं, तो वो सियाना होना तो वो ये करे कि वो ना फोर प्ले पे ज्यादा टाइम दे, और जब और के औरत जो है वो बाद में उसमें डिस्चार्ज होने की हिम्मत ना हो, ऐसे फिर सारे बच्चे उस पे जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। वैसे इन सब बच्चों की रिजेम्बलेंस का ज्यादा ताल्लुक जो है वो जेनेटिक्स है, सॉरी इसका पहले कौन डिस्चार्ज हो रहा है इससे कोई ताल्लुक। अगली स्लाइड पे आइएगा। चले जी, अच्छा आगे है कि जी मॉडर्न साइंस क्या प्रूव करती है, मॉडर्न साइंस। अच्छा अब देखें यहाँ पे ना एक जीन्स का कॉन्सेप्ट आता है, फिर यहाँ पे जेनेटिक्स आ जाती है। जेनेटिक्स ये है कि हर इंसान के अंदर जो डीएनए है ना, पहले जीन को समझ लें कि जीन है क्या। हर इंसान के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए एक बहुत कह लें कि ना एक लेंथी सा धागा है, और उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो टुकड़े जुड़े हुए हैं वैसे, ठीक है, उसके छोटे छोटे पैचेस हैं, हर पैच हर टुकड़ा एक खास खसूसियत को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर डीएनए का पहला हिस्सा फर्ज किया आंखों के रंग को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा हिस्सा बालों के रंग को कंट्रोल कर रहा है, तीसरा जहानत को, चौथा ब्लड ग्रुप को, कोई हाइट को, कोई इंटेलिजेंस को, तो ऐसे लगभग 27 से 30 हजार जीन्स हैं इंसान के एक डीएनए के ऊपर, और हर सेल के अंदर डीएनए मौजूद है, रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के अलावा, क्योंकि वो अपना न्यूक्लियस खत्म कर देते हैं जब वो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। तो रेड ब्लड सेल के अलावा हमारी बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर डीएनए मौजूद है, और हमारे पास हर जीन के दो दो जोड़े हैं। मतलब कि अगर मैं हूं ना, मेरे मेरी अगर आंखें हैं और आंखों को कंट्रोल करने वाला डीएनए है, तो उसके दो जीन होंगे, एक वो जो मैंने अपने फादर से लिया, एक वो जो मैंने अपनी मदर से लिया। अगर तो फादर वाला एक्सप्रेस हो गया, मदर वाला शो नहीं हो सका, तो मेरी आंखें अपने फादर पे जाएंगी, और अगर मदर वाला, फर्ज किया कि आंखें मेरी फादर पे चली गई, अब अगर बालों वाला जो डीएनए है, हेयर हेयर की कह लें कि हेयर का स्टाइल जो होता है ना, मतलब कि बाल घुंघराले होंगे, स्ट्रेट होंगे, इसका भी डीएनए अलग है, लेकिन हम बात करें बालों की रंगत की, हेयर कलर की, कि अगर अगर हेयर कलर का डीएनए मदर वाला शो हो गया, एक्सप्रेस हो गया, लेकिन फादर वाला एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो मेरे बाल मदर पे चले जाएंगे। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जिसके बारे में अभी साइंस को नहीं पता कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, कि हम कैसे कंट्रोल करें कि ये चीज फादर की शो हो जाए, ये मदर की शो हो जाए, ये चीज अभी तक अननाउन है वैसे, लेकिन ये चीज तो नाउन है कि बच्चा माँ पे कैसे जाता है, बच्चा बाप पे कैसे जाता है। जीन्स दो तरह के होते हैं, एक ताकतवर एक कमजोर। ताकतवर को बोलते हैं डोमिनेंट, और कमजोर को बोलते हैं रिसेसिव। अगर माँ का हेयर कलर का जीन ताकतवर है और बाप का हेयर कलर का जीन कमजोर है, तो जब वो अगले बच्चे में अपना डीएनए भेजेंगे एग और स्पर्म के थ्रू, तो माँ का जीन शो हो जाएगा, बाप का जीन शो नहीं होगा। अच्छा वैसे जीन एक्सप्रेशन बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक है, इसके साथ उसका कोई इतना ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल अलग ही एक काफी अलग पूरी कॉम्प्लेक्स एक पूरी बिल्कुल है। तो इस वक्त हम सिंपली इसको बस बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो माँ यानी कि बच्चा अपने पेरेंट्स पे कैसे जाता है, ये सिंपल यार वो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है बस, कि ये डिपेंड करता है कि बच्चे ने जो डीएनए अपने माँ बाप से लिया है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, कितने डोमिनेंट है, कितने रिसेसिव है, कितने ताकतवर यानी कमजोर है, तो उस बेस पर बच्चा माँ पे भी जा सकता है, उस बेस पर बच्चा जो है वो अपने फादर पे भी जा सकता है। तो लिहाजा देर इज नो एनी एविडेंस टू सपोर्ट मोहम्मद आर्ग्यूमेंट्स ऑन चाइल्ड पेरेंट रिजेंबलेंस, कि इसमें उनके डिस्चार्ज होने का कोई फैक्टर इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होता। अब आए जरा आगे, आगे हमारा टॉपिक आ गया सेक्स डिटरमिनेशन का। बायोलॉजी में ये जो टर्म होती है ना सेक्स डिटरमिनेशन, ये बेसिकली जेंडर डिटरमिनेशन के लिए यूज की जाती है, कि बच्चा मेल पैदा होगा या बच्चा फीमेल पैदा होगा। अच्छा आयत है चैप्टर जो है वो 55 और इसकी वर्स है 38 से लेकर 39 तक।
लिखा है कि क्या वो एक गाढ़े पानी का कतरा ना था, फिर वही सेमन पे आ गए जो टपकाया गया था, फिर लहू का लोथड़ा बन गया, फिर अल्लाह ने इसे पैदा किया और दुरुस्त बना दिया, फिर इससे जोड़े यानी नर नर मादा बनाए। अब यहाँ पे जो हमने गौर करना है वो ये करना है कि पहले वो डेवलपमेंट शुरू हो गई है, खून का लोथड़ा वगैरह सारी चीजें बन गई हैं, बाद में उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही है। ठीक है, इस वाली स्लाइड से और इस आयत से आपने ये चीज याद रखनी है कि डेवलपमेंट पहले शुरू हो जाती है और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बाद में हो रही है कि बच्चा नर पैदा होगा या बच्चा मादा। अगली स्टेटमेंट सही बुखारी की 6595 एक हदीस है, उसका भी मैंने थोड़ा सा हिस्सा नहीं, ये बल्कि मुकम्मल हदीस है, इसका हम सिर्फ वो वाला हिस्सा रीड करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने रहम मदर पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया है, मतलब कि माँ की जो यूट्रस है उसके लिए भी एक फरिश्ता मुकर्रर है, और वो कहता रहता है ऐ रब ये नुतफा करार पा, यानी कि यहाँ पे ना बेसिकली उसके स्टेजेस बताए गए हैं कि नुतफा करार पा गया यानी कि जो सेमन जो है वो डोमिनेट कर गया, अरब अब अलका, अलका क्या होता है जमा हुआ खून, ब्लड क्लॉट, अब अलका यानी कि जमा हुआ खून बन गया, अरब अब खून का लोथड़ा बन गया, फिर जब अल्लाह ताला चाहता है कि इसकी पैदाइश पूरी करे तो वो पूछता है कि अरब लड़का है या लड़की, यानी कि सारी डेवलपमेंट हो गई है, बॉडी बनने का काम शुरू हो गया है, और फिर वो फरिश्ता पूछता है कि ये लड़का होगा या फिर ये लड़की होगी। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि पहले डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इसका जेंडर क्या होगा, कि वो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी। अगली स्लाइड पे आइएगा। अच्छा वही है, उसी को ना मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है कि अगर किसी को उर्दू में मसला हो तो उसके लिए फिर हम इंग्लिश में रीड करते हैं इधर, ये सेम वही है। उससे अगली पे आइएगा, 20वीं पे, कि जो मॉडर्न साइंस है वो क्या प्रूव करती है। हम इंसानों का जो एक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है उसको हम एक्स 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 वाई सिस्टम बोलते हैं, बहुत इजी करके बहुत जल्दी हम इसको समझ लेंगे। सिंपल ये है कि हमारे हम इंसानों के अंदर ना टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, सेल्स के अंदर 46 होते हैं। अब उन 46 में से जो पहले 44 हैं वो हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और जो आखिरी दो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि ना मर्द और औरत में 44 क्रोमोसोम सेम है, कि जैसे मेरे अंदर 44 है वैसे किसी फीमेल के अंदर भी 44 होंगे और वो सेम होंगे क्योंकि वो बॉडी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन जो आखिरी पेयर है औरतों के अंदर क्रोमोसोम नंबर 45 और 46, 45वां और 46वां जो क्रोमोसोम है वो दोनों ही एक्स शक्ल के होते हैं, और मर्दों के अंदर 45वां क्रोमोसोम एक्स शक्ल का होता है लेकिन 46वां क्रोमोसोम वाई शक्ल का होता है। तो इसलिए जो आखिरी पेयर है 45-46वां उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर जो एग सेल है, जब एग सेल बनता है ना तो उसमें सारे ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मर्द दो किस्म के स्पर्म बनाता है, एक में एक्स के एक में सारे एक्स होते हैं और एक में एक्स के साथ साथ एक वाई भी होता है। अब अगर एक्स वाला स्पर्म जो है वो एग सेल में चला जाए तो दोनों क्रोमोसोम एक्स हो गए तो बेटी पैदा होगी, अगर वाई वाला स्पर्म एग सेल के अंदर चला जाए तो एक्स वाई का पेयर बन जाएगा तो बच्चा बेटा पैदा होगा। इसका मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये बिफोर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही डिसाइड हो जाती है कि बच्चा मेल पैदा होगा या फिर बच्चा फीमेल पैदा होगा, ना कि डिवेलपमेंट के बाद जब ऑर्गन शॉर्गन बनना शुरू हो गए फिर कहीं जाके ये डिटर्मिनेशन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने इसका भी पोस्टमार्टम कर दिया। आगे जाइएगा, आगे एक इमेज है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है, एक साइड पे मदर है और उसके पास आखिरी पेयर जो क्रोमोसोम का है वो दोनों एक्स हैं और फादर के पास दोनों वाई हैं। अब क्योंकि पेयर में से ना एक मदर ने देना होता है और एक फादर ने देना होता है,